ग्वालियर के महाराज बाड़ा पोस्ट ऑफिस पर सर्वर ना होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डाकघर में सर्वर की समस्या नई नहीं है, काफी समय से इस समस्या का सामना आम जन को करना पड़ रहा है, क्योंकि इस व्यवस्था की जिम्मेदारी एक निजी प्राइवेट कंपनी के हाथ में है। BSNL जैसी सरकारी इंटरनेट कंपनियां जिसका नेटवर्क अपने आप में बेमिसाल है, फिर भी वह पोस्ट ऑफिस को अपनी सुविधा देने में सक्षम नहीं है। फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग की वजह से 1 और 2 तारीख को फिनकल के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बंद रखे थे। सरकार ने ऊपर से ही आदेश थे डायरेक्टेड के। जनता की असुविधा के लिए हम खेद चाहते हैं, लेकिन उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो सर, ये जो सर्वर की जो प्रॉब्लम है कब तक जाएगी? ये तो आती जाती रहती है सर, सर्वर का केवल हमारे या नहीं, ये तो बैंकों में भी होता है। जो टेक्निकल इश्यूज आते हैं कुछ, उनको सॉल्व करने में थोड़ा तो समय लगता है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी पे सारे काम कर रहे हैं। मेरा नाम गोवर्धन शर्मा। कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पे आप? मैं 9 बजे से आया हूँ साहब। तो ये पोस्ट ऑफिस में आप क्या क्या परेशानी आती है, क्या क्या? अब जे हमेशा ही सर्वे जाता है इसका, तो सर्वे चला जाता है। दूसरा क्या है कि पैसे तो मिलने में परेशानी रहती है। मैं गोलपाड़िया से हूँ। मैं जब भी अपने पिताजी के साथ यहाँ पेंशन के लिए आता हूँ तो हमेशा 2, 3, 4 तारीख तक के बीच में सर्वर की प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा यहाँ पर यदि कुछ किसी वृद्ध की पेंशन सिग्नेचर मिलान की वजह से नहीं हो पाती है तो यहाँ पर है ना जो क्लर्क होते हैं वो परेशान करते हैं और कहते हैं कि है ना मिलान नहीं हो पा रहा है, नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में हम पीएम साहब के पास जाते हैं तो वो हमको कहते हैं कि आप अपना DLC लगा दो, तो हम DLC लगाते हैं। इसके बाद भी बहुत चिक चिक करते हैं, तो इस प्रकार पेंशनरों के लिए बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर। और दूसरी बात, यहाँ पर है ना भीड़ इतनी रहती है कि भीड़ की वजह से काउंटर, एक सिंगल काउंटर चल रहा है यहाँ पर, 2 काउंटर चल रहे हैं, सिंगल काउंटर चल रहा है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। और रश होने की वजह से बहुत से लोग तो बिना कुछ काम कराए ही जाना पड़ जाता है। सर, ये जो है हम लोग आते हैं काफ़ी 1-2 घंटे खड़े रहते हैं। ये प्रॉब्लम है, 15H का फॉर्म नहीं मिल रहा है, और क्या कहते हैं फीड कराते हैं तो फीड वाले नहीं मिलते, कहते हैं इसका भी, और सर्वर डाउन था हमेशा। और मैं बीमार आदमी हूँ, ये एक्सीडेंट हो गया, हाथ चल नहीं, काम नहीं कर रहा। और जब इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेने और TDS का वो लेने आओ तो देते नहीं हो, घुमाते रहते हैं, चक्कर कटवाते रहते हैं। क्या करो, ये परेशान है। 2 घंटा हो गए बैठे, कोई सुनवाई ही नहीं है। अब बूढ़े आदमी कैसे रोज आए जाटा कार्य में ले के कहा जाए। देखना है कि आगे कब तक इस समस्या का आम जन को सामना करना पड़ेगा। बने रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।